हेलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू माई चैनल एंड वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है सिद्धांत और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। तो मैंने ये चैनल इसलिए शुरू किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी नॉलेज है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वो सब आप सबके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में टैलेंट बहुत ही ज़्यादा है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस ज़रूरत है तो सही गाइडेंस की। तो मैं आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ, इस चीज़ में मैं सिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के इंट्रोडक्शन से। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊँगा, मैं बेसिक आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताऊँगा। इसके बाद आने वाले वीडियोज़ में हम सीखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या और कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग? सिंपली पुट, मैं एकदम सिंपल वर्ड में समझाऊँगा आप लोगों को। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक आर्ट है जिसमें आप टेक्स्ट, इमेज या शेप यूज़ करके अपने व्यूअर को कोई आइडिया या मैसेज कन्वे करते हैं। दैट इज़ इट, यही है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर आपका व्यूअर उस मैसेज को समझ पाता है, बस आपका काम वहीं पे हो गया। तो दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों सीखना चाहिए, इस फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो वेल, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अभी हर चीज़ डिजिटल होते जा रही है। सो आने वाले दिनों में जितने भी ओल्ड स्कूल चीज़ें हैं, जो भी नॉन डिजिटल है, वो ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स एंड ऑल, वो सारी चीज़ें डिजिटल हो जाएंगी और धीरे धीरे हो भी रही हैं। तो ऐसे में आपको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है और इस फील्ड में घुसना है ताकि आप इसमें अच्छा एक करियर आप बना सकें। और इसके लिए आपको मेरे हिसाब से दो रिक्वायरमेंट होगी, दो प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपके पास होनी पड़ेगी। सबसे पहली, आपके अंदर ना क्रिएटिविटी का वो कीड़ा होना चाहिए, एक भीड़ से हट के जो एक इंसान के अंदर एक अलग इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी होती है, उसका कीड़ा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ होनी चाहिए पैशन। पैशन तो एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में हर फील्ड में आपको चाहिए, इसमें तो और भी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको रोज़ नई चीज़ें बनानी है कंपेयर टू अदर जॉब्स, जहाँ पर आपको डेली जाके एक ही काम करना है आपको। यहाँ पे आपको रोज़ नई नई चीज़ आप बनाओगे, सेम डिज़ाइन आप कभी रिपीट नहीं करोगे। तो उसके लिए आपके अंदर वो इंटरेस्ट होनी चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। तो ये दो चीज़ अगर आपके पास है तो आप इस फील्ड में ज़रूर आ सकते हैं, और इसके लिए हेल्प करने के लिए ये चैनल मैंने बनाया हुआ है। तो अब बात करते हैं जॉब प्रॉस्पेक्ट्स की, इस फील्ड में आने के बाद आप किस किस इंडस्ट्री में घुस सकते हो। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के बाद आप बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हो। सबसे पहले तो एडवर्टाइजिंग, इट कुड बी प्रिंट और डिजिटल। आप कंपनी ब्रांडिंग में जा सकते हो, जहाँ पे आप कंपनी के लिए लोगो, ब्रोशर, पैम्पलेट्स, स्टेशनरीज, ऑफिस पेरिफेरल्स, वो सारी चीज़ें बनाओगे तो वो ब्रांडिंग में आ जाती हैं। फिर आप इंटरफेस डिज़ाइन में जा सकते हो, जिसे UI कहते हैं। जितने भी ये ऐप्स होते हैं, इसके जो यूज़र इंटरफेस होते हैं, वो UI डिज़ाइनर्स बनाते हैं, तो आप उसमें जा सकते हो। आप TV इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, वहाँ भी ग्राफिक की बहुत ज़्यादा डिमांड है। स्पेशली अगर आपने जनरली न्यूज़ चैनल वगैरह देखा होगा, तो उसमें कोई भी पर्टिकुलर उनका जो न्यूज़ चल रहा होता है उससे रिलेटेड पीछे ग्राफिक्स होती है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को दिखाने के लिए वो एक एनिमेशन के थ्रू दिखाते हैं, हालांकि वो इमेज वाला ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं है, वो एक एनिमेशन में आ जाता है, बट वो सारी आती हैं सारी एक ही फील्ड में। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा इंट्रो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या और कैसे आप सीख के इसमें करियर बना सकते हो। तो ये चैनल है उन लोगों के लिए जो एस्पायरिंग ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, या ऑलरेडी हैं और अपने स्किल्स को इन्हेंस करना चाह रहे हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो फोटोशॉप में रुचि रखते हैं और अपने स्किल को बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, ये था पहला वीडियो इंट्रो के बारे में। इसके बाद सिर्फ ट्यूटोरियल्स आएंगे और उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल्स पसंद आएंगे। तो चूंकि ये मेरा पहला चैनल है और पहला वीडियो है, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दें और इस चैनल को भी थोड़ा सा अपना प्यार दें, शेयर करें दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, डू व्हाट यू लव।